हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द अजम्पन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन अ वेरी सिंपल वे एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटिव नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन This law of DMU was proposed by Professor Guzan. That is why it is called as Guzan's first law. First law but it is well developed by the neoclassical economist Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain the consumer behavior with the help of two important concepts marginal utility and total utility. नाउ सेकेंड पार्ट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ में हमने डिस्कस किया थ्री डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन बाय मार्शल फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, थिंग एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइड विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक दैट हीडी पहला स्टेटमेंट ये देखा सेकेंड स्टेटमेंट क्या देखा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइड विथ एवरी इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डेमिनिशिंग। आप डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो आप स्टेटमेंट कोई भी लिख सकते हो थर्ड स्टेटमेंट में हमने इसी तरह से डिस्कस किया कि अदर थिंग्स बींगक्वल या कॉन्स्टेंट मोर वी हैव अ थिंग लेस वी वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसे पाने की इच्छा बहुत कम होती है सो so, इस तरह से हमने स्टेटमेंट किया फिर हमने एक स्केड्यूल लिया एक टेबल लिया एक एग्जाम्पल लिया कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग फर्स्ट मैंगो वही सपोज हमने अज्यूम किया कि टेन यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया एट यूनिट का हमें सेटिस्फेक्शन मिला सिमिलरली हमने ईच इंक्रीजिंग यूनिट के साथ टू टू यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी को डिमनिश किया हमने देखा जब हमने सिक्स यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी वॉज ज़ीरो क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो मीन्स यूअर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम सेटिसफैक्शन इज मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी या आपका लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ओके फिर उसी को हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया और डायग्राम में हमने देखा कि ये जो ऑफ डिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी कब है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड वो नीचे जा रहा है स्लोपिंग डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंटरसेक्ट या कट टू एक्स एक्सिस जहां आपकी यूटिलिटी था जीरो और बियॉन्ड दैट इट इंटर इन टू नेगेटिव क्वार्टन वो नेगेटिव क्वार्टर में चला गया जहां आपकी सेटिसफैक्शन नेगेटिव थी जो हमने शेडेड एरिया से दिखाया कि इट इज डिस यूटिलिटी यानी आपको सेटिसफैक्शन नहीं डिसटिस्फैक्शन मिला वहां पे आपको डिस यूटिलिटी मिला तो इस तरह से जब ये पूरा क्वेश्चन स्पेशली जब आपको एट मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमें ईच एवरी पार्ट को सिस्टमेटिकली लिखना है पहले इंट्रोडक्शन देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ लेकिन एनी वन स्टेटमेंट कोई भी एक डेफिनेशन देन टेबल यानी स्केड्यूल एक्सप्लेनेशन डायग्राम और एक्सप्लेनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया न आज हम देख रहे हैं इसका डी पार्ट दैट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम बार बार स्टेटमेंट में बोल रहे हैं अदर थिंगस बींगल अदर थिंगस बींग कॉन्स्टेंट कुछ कंडीशंस को अगर हम सेम रखें अनचेंज रखें तो ये लॉ जो मार्शल का कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डिशिंग ये प्रूव होगा यानि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है जो ऑलवेज फ्लक्चुएट होता है प्लेस के साथ पर्सन के साथ टाइम के साथ कमोडिटीज के साथ बदलता है तो उसे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है उस पर पर्टिकुलर हमारे बिहेवियर को उन्होंने फिक्स कर दिया है अ सराउंडिंग द सम कंडीशन सो दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन उस कंडीशंस को हमने क्या कहा अजम्शंस ऑफ लॉ so let us discuss one by one condition so suppose one first condition marshall ne kaha ki there must be a single want ek single want go at one time should be satisfied so that their satisfaction level should be maximum humne kya kaha when suppose we are thirsty to many glass of water liya first this want should be satisfied so it is assumed by marshall कि देयर मस्ट बी अ सिंगल वांट सपोज हमने assume किया कि देयर इज हंग्रीनेस तो हाउस हंग्रीनेस सिर्फ एक सिंगल वॉन्ट लिया सिंगल वॉन्ट हंग्रीनेस वैन वी आर फीलिंग हंग्री दैन एट दैट टाइम वी हैव टेकन सम फ्रूट से फॉर एग्जाम्पल मैंगो हमने लिया तो सिंगल वॉन्ट को हमने अज्यूम किया जब भी ये लॉ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इट शुड बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन वन सिंगल वॉन्ट एक ही सिंगल वॉन्ट होनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल वॉन्ट होगी तो हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू डिराइव फ्रॉम ईच एंड एवरी वॉन्ट उसको मेजर करना उनको कंपेयर करना इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क तो मार्शल ने क्या किया पहला अजम्पन पहला कंडीशन क्या कहा सिंगल वॉन्ट सिंगल वॉन्ट होना चाहिए सो दैट दिस लॉ शुड बी ऑब्जर्व्ड थरली हम इस लॉ को अच्छी तरह से समझ सकें नाउ हमने कहा सिंगल यूज जो भी कमोडिटी इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करते समय समझते समय वी आर यूजिंग दैट कमोडिटी मस्ट बी सिंगल सेम उसका सिंगल यूज होना चाहिए सिंगल यूज होने से जो लॉ कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डेमिनिशिंग नाउ सपोज हमने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि फर्स्ट मैंगो हमने खाया ओके okay? तो सेटिसफैक्शन मिला टेन यूनिट सेकेंड मैंगो हमने कंज्यूम किया द सैटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट एट यूनिट्स सो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग रॉ मैंगो तो सेटिसफैक्शन भी आपकी डिमनिश होती जाएगी बट सपोज आफ्टर कंज्यूमिंग टू मैंगोस, आपने थर्ड मैंगो का मैंगो शेक बना दिया देखो यूज़ बदल गया जब आप मैंगो शेक पियेंगे तो यूटिलिटी इन स्टेड ऑफ डेमनिशिंग इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग बराबर तो मार्शल ने कहा उस कमोडिटी का सिंगल यूज होना चाहिए या सपोज आपने मैंगो शेक नहीं आपने थर्ड यूनिट को या फोर्थ यूनिट का मैंगो आइसक्रीम ले लिया तो यूटिलिटी तो और बढ़ जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ लॉ हम प्रूव कर पाए नहीं अगर आप कंडीशंस को मानोगे कंडीशंस को फॉलो करोगे तो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल अदरवाइज ये जो लॉ हमें कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डिमिनिशिंग डिमिनिश होना चाहिए वो तब पॉसिबल है जब ये अजम्पन्स हम फॉलो करेंगे तो फर्स्ट एजम्पन क्या देखा देयर मस्ट बी अ सिंगल वॉन्ट एक वॉन्ट को एक टाइम पे हमें सेटिस्फाई करना है वन थिंग वन वॉन्ट शुड बी सैटिस्फाइड एंड आफ्टर दैटिस्फेक्शन दर वो इट पहला पहला एजम्पन सिंगल वॉन्ट सेकेंड एजम्पन सिंगल यूज उस कमोडिटी का सिंगल यूज होना चाहिए अगर आपने उसका यूज मल्टीपर्पज कर दिया तो यूटिलिटी इनस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग तो हमारा लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सेकेंड हमने क्या लिया कि ओके। थर्ड कार्डिनल हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में देखा था मार्शल ने कहा व्हेन वी आर कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम दैट ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी विजिबल और मेजरेबल हमने कहा था ना हम उसको देख पाएंगे न हम उसको मेजर कर पाएंगे ये एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है दैट इज यूटिलिटी। लेकिन यहाँ पे उसने धीरे धीरे इस लॉ को डेवलप करते करते आपसे अज्यूम करवाया अज्यूम करवाया कि सपोज व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द फर्स्ट मैंगो इन स्टेड ऑफ टेलिंग योर सेटिस्फैक्शन ग्रेड और रिमार्क टेल मी सम नंबर्स आप कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स बताओ रेगुलर नंबर्स बताओ यानी कार्डिनल मेजरमेंट यही रीजन था आपने कहा कि जब हम फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करते हैं तो वी आर अज्यूमिंग स्टार्ट थिंकिंग कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला तभी हमने कहा टेन यूनिट एट यूनिट सिक्स यूनिट लाइक दैट तो ये हमने किसकी सपोर्ट ली हेल्प ली नंबर्स की हेल्प ली यानि कार्डिनल मेजरमेंट न्यूमेरिकल नंबर्स में हमें मेजर करके देना है सो so, थर्ड आपका एजम्पन जो मार्शल ने अज्यूम किया कि यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच इंक्रीजिंग यूनिट शुड बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स यानि न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें बतानी है यही अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से इस थियोरी को जो इम्पॉसिबल था यूटिलिटी जो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट था एक इंटरनल साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ फीलिंग था उस फीलिंग को हम नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो थर्ड अजम्पन उसने क्या कि लिया कार्डिनल मेजरमेंट फोर्थ रियल कंजम्प्शन मार्शल ने कहा कि जब भी ये लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट करके देखो ना देयर शुड बी रियल कंजम्पशन क्योंकि जब हम रियली really कंज्यूम करते हैं ना तो यूटिलिटी फ्रॉम ईच इंक्रीजिंग यूनिट विल गो ऑन डिमिशिंग आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ जब हम लोग किसी फंक्शंस वगैरह पार्टी में रहते हैं तो वैन वी सी द नंबर ऑफ डिशेज इन फ्रंट ऑफ अस तो एट दैट टाइम वॉट वी फील कि वी आर एबल टू कंज्यूम वो दैट इज़ वाई वी विल ट्राई टू पोर ईच एंड एवरी थिंग इन अ बल्क क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं बट वैन वी रियली कंज्यूम इट हम देखते हैं फिफ्टी परसेंट भी हार्डली वी कैन कंज्यूम इट इसका मतलब हम जब इमेजिन करते हैं तो इमेजिनेशन में हमें लगता है कि वी आर एबल टू कंज्यूम लेकिन जब हम रियली really कंज्यूम करते हैं तो वी कम टू नो आवर रियल पोटेंशियल रियल पावर हम इतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं इसके लिए मार्शल ने कहा दिस लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल कन्जम्प्शन रियल कन्जम्पन पे बेस्ड होना चाहिए क्योंकि इमेजिनेशन जब हम करते हैं ना तो इमेजिनेशन में तो हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं बहुत क्वांटिटी में खा सकते हैं क्योंकि माउथ वाटरिंग रहता है बट व्हेन यू एक्चुअली कंज्यूम इट तो फ्रेंड्स उस समय आपको लगेगा नहीं हम इतना नहीं खा सकते हैं थोड़ा खाने के बाद लगेगा नो योर स्टमक इज फुल तो इसके लिए आपका नेक्स्ट एजम्प्शन था रियल कंजम्प्शन रियल कंजम्पन होना चाहिए क्योंकि इमेजिनेशन में हम बहुत कंज्यूम करना चाहते हैं लेकिन जब हम रियली really कंज्यूम करते हैं तो आवर ईटिंग पावर ईटिंग पोटेंशियल इज वेरी लेस तो दिस लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रियल कंजम्प्शन नॉट यूअर इमेजिनेशन क्योंकि इमेजिनेशन में हम बहुत कंज्यूम करेंगे लेकिन जब आप सच में खा के देखोगे तो यू वेल कम टू नो कि हर इंक्रीजिंग एडिशनल यूनिट के साथ यूर सेटिस्फैक्शन विल गो ऑन डमिनिशिंग यस फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आ रहा है फिफ्थ अजम्पन नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट फैशन एक्सेट्रा इस कुछ कंडीशंस को कॉन्स्टेंट रखा जाए तो आपका लॉ जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल या यूज होगा क्योंकि अगर आपकी लाइक्स डिसलाइक्स बदल गए फैशन बदल गया हैबिट बदल गई तो इमीडिएटली यू विल स्विच फ्रॉम वन कमोडिटी टू तो अनदर कमोडिटी एंड यूर यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग जबकि लॉ कहता है एडिशनल यूनिट के साथ यूटिलिटी विल गो ऑन डिमिनिशिंग लेकिन अगर सपोज आपका टेस्ट बदला फर्स्ट आपने मैंगो खाया उसके बाद कहा नहीं नहीं आई वॉन्ट स्ट्रॉबेरीज आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए या यू वॉन्ट चेरीज या लिचीज तो वैन कमोडिटी चेंज तो बटे नेचुरल आपका सेटिस्फैक्शन लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग तो यहाँ आपका यूटिलिटी कम हुआ नहीं ऑन द कॉन्ट्री यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग या प्रेफरेंसेस यूर चॉइज़ यूर लाइक्स यू डिसलाइक इट शुड रिमेन सेम उसको अनचेंज रखना है तो ही इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट क्या था आपका नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट फैशन इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए नया लेटेस्ट फैशन होगा तो हम क्रेजी हो जाते हैं वी आर इंटरेस्टेड वी आर विलिंग टू बाय द लेटेस्ट न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केट तो वी आर रेडी टू बाय लेटेस्ट फैशन दैट मीन्स यूटिलिटी कम हुई नहीं उल्टा ऑन द कॉन्ट्री एडिशनल यूनिट ने न्यू फैशन ने हमको ज़्यादा अट्रैक्ट किया और हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला तो इसके लिए मार्शल ने कहा ये सब फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए यानी नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट फैशन एक्सेट्रा ओके देन सिक्स्थ वन होमोजीनियटी होमोजीनियटी का मतलब होता है आइडेंटिकल सेम माशल अज्यूम कर रहा है कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं जो भी कमोडिटी हम लोग खा रहे हैं इट शुड बी होमोजीनियस इन नेचर यानी आइडेंटिकल होना चाहिए सेम इन शेप साइज कलर टेस्ट डिज़ाइन एक्सेट्रा सब सेम होने चाहिए यानी अगर उसका सपोज़ टेस्ट अलग अलग होगा होमोजीनियस नहीं होगा आइडेंटिकल नहीं होगा तो यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी इट विल गो ऑन फ्लक्चुएटिंग बदलेगा सपोज से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट मैंगो खाया उसका जो टेस्ट था वो इतना स्वीट नहीं था तो यूटिलिटी आपको सपोज आपने कहा टेन यूनिट्स लेकिन जब आपने सेकेंड मैंगो को कंज्यूम किया उसका टेस्ट का जो लेवल था वो बहुत मीठा था तो सेटिस्फैक्शन कम हुआ नो no. ऑन द कॉन्ट्री सेटिस्फैक्शन बड़ा तो जब आपके यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजीनियस नहीं है या सपोज फर्स्ट वन इज स्मॉलर वन आपका फर्स्ट मैंगो स्मॉलर था तो सेटिसफैक्शन भी उसी के लेवल का हम अज्यूम करेंगे और अगर सेकेंड यूनिट ऑफ मैंगो थोड़ा बिगर था तो आप सेटिसफैक्शन भी उसी लेवल का आप फील करोगे तो इसके लिए उन्होंने अज्यूम करवाया है कि ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड वाइल यूजिंग दिस लॉ मस्ट बी होमोजीनियस मस्ट बी आइडेंटिकल मस्ट बी सिमिलर इन शेप साइज कलर टेस्ट डिजाइन एक्सेट्रा क्योंकि अगर कुछ भी बदला तो यूटिलिटी इमिजिएटली आपकी बदल जाएगी तो नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा कि ऑल द यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वाइल अप्लाइंग दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर तो क्या जम्शन आया होमोजीनियटी यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल कमोडिटीज नेक्स्ट है कंटिन्यूटी मार्शल ने कहा कि जब आप ये लॉ अप्लाई कर रहे हो यूज कर रहे हो तो ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो एक के बाद इट शुड बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली विदाउट एनी टाइम गैप टाइम गैप नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर टाइम गैप आया बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट तो यूटिलिटी इन स्टेड ऑफ डिमिनिशिंग इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग बढ़ जाती है से फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब खाना खाते हैं खाना खाते खाते हम टीवी भी देख रहे हैं और टीवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोज लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच चल रहा है एंड ट्वेंटी लास्ट ओवर इज गोइंग ऑन और हम चाहते हैं कि हमारे टीम जीते और उसके जीतने में हम हमने अपना खाना, खाना खाना भूल गए और वेन दैट टाइम गैप कम्स बिटवीन टू यूनिटी और हमारी टीम जीत गई हम इतने एक्साइटेड होते हैं हमारी भूख और बढ़ जाती है तो हमें लगता है यूटिलिटी कम कहां हुई वो तो और बढ़ गई तो जो भी हम यूनिट्स को कंज्यूम करें उन दोनों यूनिट्स के बीच में टाइम गैप नहीं होनी चाहिए टाइम गैप आया तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी डमिनिश नहीं होगी ऑन द कॉन्ट्री इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग सो मार्शल हैज्यूम दट ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली इट मीन देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेस यूनिट्स दो यूनिट्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए अदरवाइज यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग हमारी बुख और बढ़ जाएगी तो सेटिस्फैक्शन भी आपकी बढ़ जाएगी इसके लिए मार्शल ने आपको क्या कंडीशन दिया क्या अजम्पन दिया कि ऑल द यूनिट्स मस्ट बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली यानी देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट्स क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एट्थ वन डिविजिबिलिटी नेक्स्ट अजम्पन मार्शल ने लिया कि जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम्ड कर रहे हैं इट शुड बी डिविजिबल इन नेचर क्योंकि डिविजिबल होगा तो वी कैन गिव दैट पर्टिकुलर पर्सन वन बाय वन यूनिट वन वन बाय यूनिट यानी उसने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए फ्रूट्स के लिए जैसे एप्पल लिया जैसे मैंगो लिया ऑरेंजेस लिया बनाना लिया ऑल दीज यूनिट्स आर डिविजिबल, हम उसको एक एक यूनिट करके कंज्यूम कर सकते हैं दिस लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इनडिविजिबल गुड्स लाइक टी हो एसी हो कंप्यूटर हो कार हो स्कूटर हो ये इंडिविजिबल यूनिट्स हैं ये लॉ उन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन ये लॉ हमें किस पे देखना है जो डिविजिबल गुड्स हो जिसको हम डिवाइड करके कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए दे पाएं इस लॉ में फिर से उसने क्या एक अजम्पन ऐड किया कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डिविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज़ ये डिविजिबल गुड्स पे बेस्ड है यानी ऑल द यूनिट्स मस्ट बी डिविजिबल इन नेचर क्योंकि जो इनडिविजिबल गुड्स हैं जैसे ड्यूरेबल गुड्स का मैंने एग्जाम्पल दिया उसके ऊपर ये लॉ को एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है ओके सो नेक्स्ट कंडीशन क्या था डिविजिबिलिटी ये मार्शल ने अज्यूम किया कि ऑल द गुड्स मस्ट बी डिविजिबल इन नेचर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रीजनेबिलिटी मार्शल ने अज्यूम किया अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट एजम्पन रीजनेबिलिटी यानी जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो इट मस्ट बी रीज़नेबल इन साइज मॉडरेट इन साइज ना इधर टू बिग नॉट टू स्मॉल आपने देखा ये जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया उस एग्जाम्पल में आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो या एप्पल्स, या ऑरेंजेस यानी जो मॉडरेट फ्रूट्स हैं इसमें हमने जो बड़े फ्रूट्स हैं जैसे वाटर मिलन है मस्क मिलन है पपैया है बड़े फ्रूट्स का नाम नहीं लिया क्योंकि दो दे आर डिविजिबल बट वी कैन नॉट कंज्यूम फर्स्ट वाटर मिलन सेकेंड वाटर मिलन थर्ड नॉट पॉसिबल क्योंकि वन वाटर मिलन को ही हम लोग कट करके हम लोग फोर फाइव फैमिली मेम्बर्स जो है वो मिक्स होके मिल के खाते हैं तो इसके लिए रीजनेबल साइज़ नहीं है इट इज़ अ बिगर वन ऑन द अदर साइड हमने स्मॉलर फ्रूट्स जैसे हम ग्रैप्स की बात करें स्ट्रॉबेरी की बात करें चेरीज़ की बात करें लिचीज़ की बात करें वो बहुत छोटे फ्रूट्स हैं ऐसे छोटे फ्रूट्स जब हम आपको दें और उसको कंज्यूम करने के बाद अगर हम पूछेंगे कि आर यू सेटिस्फाइड तो आप बोलेंगे नहीं हमको तो पता ही नहीं चला हमने स्ट्रॉबेरी खाई पता ही नहीं चला हमारी हंगर ने सेटिस्फाइड हुई और नहीं हुई तो इसके लिए रीजनेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन की द कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इट मस्ट हैव रीजनेबल इन साइज नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल बट इट मस्ट बी रीजनेबल इन साइज जो हम थोड़ा कंज्यूम कर सकें फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट लाइक दैट यानी डिविजिबल तो हो लेकिन उस डिविजिबल के साथ साथ रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए न ज्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी ना इधर टू बिग नॉट टू स्मॉल ज़्यादा कम छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं बट रीजनेबल इन साइज मॉडरेट इन साइज मीडियम इन साइज ताकि उन्हें खाना कंज्यूम करना और सेटिस्फैक्शन बताना हर कंज्यूमर के लिए ईजी भी हो और पॉसिबल भी हो क्लियर फ्रेंड्स चलो आगे देखते हैं रैशनलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन एज एम्पिन डेवलप्ड बाय मार्शल दैट इज रैशनलिटी रैशनलिटी यानी समझदारी मार्शल ने कहा इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करते समय आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए रैशनलिटी का रैशनलिटी यानी ईच एंड एवरी नॉर्मल एंड रैशनल कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेकिन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर जब हम कम खर्चे में ज़्यादा सैटिस्फैक्शन पाते हैं जब हम बार्गेनिंग करते हैं कितना खुश होते हैं सस्ते में लेके आए अगर हमारे किसी फ्रेंड ने महंगे में अगर कोई चीज़ लाया है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग तो बार्गेनिंग करके इतने में लाए यानी यू आर अ रैशनल कंज्यूमर जब एक रैशनल कंज्यूमर होता है जो मिनिमम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है तो ये लॉ हम अज्यूम करते हैं इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन द रैशनल कंज्यूमर जिसे पता हो कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर सो ऑलवेज इस लॉ में हम अज्यूम करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए रैशनल ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए नॉर्मल और हर एक समझदार कंज्यूमर क्या चाहेगा मेरे पॉकेट से कम खर्चा हो मिनिमम एक्सपेंडिचर हो लेकिन मेरी सेटिस्फैक्शन मेरी परचेजिंग लिस्ट बहुत बड़ी हो तो रैशनलिडी का अजम्पन लास्ट अज्शन लास्ट बट नॉट लीस्ट उसने कहा मार्शल ने कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वैल्यू है मनी की इट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। वो बदलनी नहीं, नहीं चाहिए क्योंकि अगर वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी बदल जाएगी तो बट नैचुरल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दैट इट विल गो ऑन फ्लक्चुएटिंग वो फ्लक्चुएट होगा सपोज है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंगो परचेज करके लाते हो एंड मैंगो वैन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग दैट प्रोडक्ट जब आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो तो उस समय आपने मैंगो लाया हंड्रेड रुपीज़ पर के जी ऑन द नेक्स्ट डे सपोज यू गॉट द एटी रुपीज़ पर के जी तो देखो उस समय आपको सस्ता मिला तो सैटिस्फैक्शन लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग उस हंड्रेड रुपीज़ में यू विल परचेज मोर क्वान्टिटी आप ज़्यादा परचेज कर सकते हो और सपोज अगर वो महंगा हो गया तो यू विल परचेज लेस क्वांटिटी तो उसने अज्यूम करवाया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट वो सेम रहनी चाहिए क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अप एंड डाउन होगी तो आपका सेटिस्फैक्शन भी अप एंड डाउन हो जाएगा इसके लिए उसने क्या अज्यूम करवाया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट तो इस तरह से उसने कुछ फ्यू अजम्पन्स को दिया जिसको हमने यूज़ किया था स्टेटमेंट में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ये अदर थिंग्स यही हैं आपकी कंडीशन कि आपका सिंगल वॉन्ट होना चाहिए आपका सिंगल यूज़ होना चाहिए कमोडिटी का यूज़ बदला तो सेटिस्फैक्शन भी बदल जाएगा कार्डिनल मेजरमेंट जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है वो नंबर्स में बताओ और आप जब भी ये लॉ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रियल कन्जम्पशन इमेजिन मत करो क्योंकि इमेजिन करेंगे ना तो हम बहुत खा सकते हैं लेकिन जब आप एक्चुअली इनटेक करोगे तो यू विल रियलाइज इट हम में इतने खाने की ताकत नहीं है या चेंज आपका टेस्ट में प्रेफरेंस में हैबिट में फैशन में नहीं होना चाहिए ऑल दीज फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट देन होमोजीनिटी द कमोडिटी विच यू आर कंज्यूमिंग इट मस्ट बी होमोजीनियस आर आइडेंटिकल इन नेचर यानी सेम आपका शेप साइज कलर टेस्ट डिजाइन ताकि आपकी यूटिलिटी में फ्लक्चुएशंस नहीं आए देन कंटिन्यूटी ऑल द यूनिट मस्ट बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली ताकि आपका यूटिलिटी फिर से फ्लक्चुएट और शफल नहीं हो ऑल द यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो डिविजिबल इन नेचर यानी ये लॉ नेचर पे यूज नहीं होगा जो भी साइज आप ले रहे हो इट मस्ट बी रीजनेबल साइज टू बिग ना टू स्मॉल और कंज्यूमर कैसा होना चाहिए नॉर्मल रैशनल समझदार जो मिनिमम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट तो ये है कंडीशन जिसके ऊपर पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बेस्ड यस फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो टू शेयर And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.